बता देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है जम्मू कश्मीर में। इसके एक एक कार्यकर्ता की अगर चुनाव में ये उतरे तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, इनको इनका पड़ोसी भी वोट नहीं देगा, क्योंकि जनता जम्मू कश्मीर की बड़ी जागरूक है और बड़ी समझदार है। ये बेवकूफ़ी करने वाले नहीं हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की जो जनता है, वोटर है, बहुत जागरूक है। उन्होंने देखा कोविड काल में माननीय हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो देश के दिग्गज प्रधानमंत्री जिनकी विश्व के अंदर ख्याति है, उनको बड़ा सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक देखा जाता है। उनकी बात को बड़ा बड़ा राजनेता विश्व का बड़ी गौर से सुनता है। तो आज उसने जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना महामारी में जो कार्य करे हैं जनता के बचाव के लिए, उनके खान पान के लिए, हर तरीके से अपनी जनता की रक्षा के लिए जो उपाय किए हैं, वो जग जाहिर है, किसी से छुपे नहीं है। आज विदेशों में देख लीजिए, जिस प्रकार से तरह तरह के लालच प्रलोभन दिए गए थे, उनकी हालत दुर्दशा कैसी है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत है। आज के हिंदुस्तान से कोई भी विश्व का मुल्क आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता। ये सब गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी हटाए गए बच्चे हैं, क्योंकि इन सब की जो रोजगार है, व्यवस्था है, वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार करने जा रही है, उसका एक रोड मैप तैयार कर लिया है। मित्रों, मैं आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि जितनी भी पार्टियां तरह तरह के प्रलोभन दे रही हैं, उनकी एक नहीं चलने वाली है। जनता जागरूक है और हमारे जम्मू कश्मीर के बब्बर शेर भाई रविंदर रैना, उनके नेतृत्व में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। आज झूठ का पुलिंदा बांधने वाले केजरीवाल ने कहा था कि सरकार बनते चिट्ठा बंद करा देंगे। क्या चिट्ठा बंद कराया उन्होंने? दिल्ली सहित जहां जहां उनकी सरकारें हैं, दो राज्यों में, वहां इस कदर शराबखोरी नशाखोरी बनाई है कि लोगों के घर के बर्तन तक बिकवा दिए हैं इस केजरीवाल झूठी सरकार ने। हमारे राज्य का, जम्मू कश्मीर का ये भला नहीं कर सकते।